चेक ने संभाल रखे दादी जी, दादी जी चेक तो दे उठिन, सुबह अकाउंट में जैसी वो तो दे उठिन, दादी जी को ध्यान चेक पर ही ज्यादा है। खुशी हो रही है, वो तो नौकरी लाग रही है, दादी जी के खुशी के आंसू छलकने लग गए हैं। 90% से ऊपर ले आना, जो कॉलेज बोलेगा एडमिशन करा दूं। सचिन हिमांशु ने मुझे लीडरशिप के गुण सिखाए, अजय खटाना और एक गौरव था उसने मुझे लाइवलीनेस सिखाई। दातारामगढ़ सीकर किसान प्रिंस एनडी एकेडमी का अभिमान बना है छोटे से गांव सज्जनपुरा का ये लाडला बेटा, नाम है सतीश धायल। अब बात करेंगे खाचरियावास दातारामगढ़ सीकर से सतीश धायल, डिफेंस फोर्सेज में ऑफिसर बनने वाला है। 11वीं 12वीं दोनों की पढ़ाई प्रिंस एनडी एकेडमी से की, यूपीएससी क्लियर की, एसएसबी रिकमेंड हुआ। सतीश है साथ में, ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, दादी जी हैं। तो सबसे पहले सतीश पूरे परिवार को बधाइयाँ, अपने जर्नी के बारे में अपने छोटे भाई बहनों को बताएं। थैंक यू फॉर दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू से समथिंग टू यू। आई वॉज वन अमोंग यू, बट थैंक्स टू माई पेरेंट्स, आज उनकी वजह से मैं आपके सामने यहाँ खड़ा हूँ। नाउ आई वुड लाइक टू थैंक प्रिंस टीचिंग स्टाफ। एक्चुअली जो नवंबर का अटेम्प्ट था वो मैं क्लियर नहीं कर पाया, सो व्हाइल आई वाज प्रिपेयरिंग पवन सर वाज बहुत होपफुल थे कि हाँ ये बंदा तो कर ही लेगा प्रिपेयर रिटर्न क्लियर, इस पर तो बहुत विश्वास था। तो जब रिजल्ट आया तब सिलेक्ट नहीं हुआ, फिर जब नेक्स्ट अटेम्प्ट की तैयारी शुरू हुई तो पवन सर पीछे ही लग गए, एकदम पूछते रहते टेस्ट में कितने बने क्या बने, पर्सनली एनालाइज करते थे ये बंदे के कितने आ रहे हैं कितने बन रहे हैं, होगा कि नहीं होगा। इस चक्कर में घर पे एक बार फोन भी कर दिया था। घर पे क्या कंप्लेन की वो भी जिक्र हो जाए साथ में, क्यों नहीं। उस टाइम मार्क्स काफ़ी कम आ रहे थे, पवन सर बहुत गुस्सा हो गए और इतना ध्यान नहीं दे रहा था स्टडीज पे, लगा दिया फ़ोन पापा को, डायल किया, पापा ने उठाया, पापा बोले क्या हुआ, बोले आपका बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा, ये कर रहा है वो कर रहा है, मस्ती कर रहा है, पिछली बार भी आपको ऐसे धोखा दे दिया अरे। फिर पापा को मैंने कहना जैसे जैसे कन्विंस किया ना पढ़ लूँगा, ये हो जाएगा ये हो जाएगा, कर रहा हूँ मैं कोशिश कर रहा हूँ, अपनी पूरी जी जान लगा रहा हूँ, उनके वजह से आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। देन आई वुड लाइक टू थैंक प्रियमदा मैम, कर्नल सर, ब्रिगेडियर सर, बिकॉज ऑफ देम आई एम स्टैंडिंग ओवर हियर। आप मुझे बताइए कौन से स्कूल का MD पर्सनली एक बच्चे को क्लास में जाके पूरा लेक्चर सुनता है, उसको एनालाइज करता है। कर्नल सर पर्सनली 4-5 घंटे हमारे साथ बिताते थे, पर्सनली हमको GD कराते, करंट अफेयर की नॉलेज देते। प्रियमदा मैम ने हमको काफ़ी कुछ सिखाया, इंटरनेशनल रिलेशंस वगैरह सिखाया, आज जो भी जनरल नॉलेज है मेरे पास उन्हीं की वजह से। सो आई वुड लाइक टू थैंक देम ऑल्सो, एंड आई वुड लाइक टू थैंक माई फ्रेंड्स विच केम अलॉन इन माई जर्नी फ्रॉम 11th to 12th। मैंने हर एक बंदे से बहुत कुछ सीखा है और उन्हीं लेसन्स की वजह से मैं आपके सामने यहाँ खड़ा हूँ। सचिन हिमांशु ने मुझे लीडरशिप के गुण सिखाए, अजय खटाना और एक गौरव था उसने मुझे लाइवलीनेस सिखाई। इट्स अ ओएल क्यू इफ यू नो, हमेशा खुश रहें, हमेशा कैसे स्थिति में प्रसन्न रहें, उन्होंने सिखाए। बहुत सारे हैं जिनके नाम मैं लूँगा तो यहाँ टाइम कम पड़ जाएगा, बहुत कुछ सिखाए दोस्तों से, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। सो एवरी पर्सन आई केम टू स्टम्बल अपॉन दे टीच मी ईच एंड एवरीथिंग एंड आई गॉट द लेसन फ्रॉम देम। So thank you very much to all of them. तो सतीश, next question from my side. Yes sir. अक्सर सेकावाटी में लोग फौज पुलिस आर्मी तक की सोचते हैं, ऑफिसर्स की नहीं सोच पाते हैं, आपने ये सोच कब जनरेट की और कैसे जनरेट की? बेसिकली मैं रहता तो महाराष्ट्र में हूँ, रहता था एक्चुअली, यहाँ पे जन्मा हूँ, पापा कोई काम के वजह से महाराष्ट्र में रहते हैं। सो आई वॉज इन 10th, तो पापा ने बोला 90% से ऊपर ले आना, जो कॉलेज बोलेगा एडमिशन करा दूँ। उन्होंने गोल दे दिया, आई अचीव्ड इट, 92 बने मेरे। मैं बोला पापा आई वॉन्ट टू प्रिपेयर फॉर NDA एंड सीकर में ये अकेडमी है वहाँ पर एडमिशन कराऊँ। अगले दिन पापा ने एडमिशन करा दिया एंड आई वॉज प्रिपेयरिंग हियर। बहुत बढ़िया, सपने पूरे करने के लिए पहले पापा जी को मार्क्स का प्रमाण दिया। अब मैं चाहूँगा दादी जी सा कहीं, चेक ने संभाल रखे दादी जी, दादी जी चेक तो दे उठिन, सुबह सुबह अकाउंट में जैसी वो तो दे उठिन, दादी जी को ध्यान चेक पर ही ज्यादा है। बहुत खुशी हो रही है, वो तो नौकरी लाग रही है तो बहुत खुशी हो रही है। वो तो नौकरी कौन लाग रहे हो, बड़ो अधिकारी बन रहे हैं, बड़ो अधिकारी बन रही है, बहुत खुशी हो रही है और आप बहुत पढ़ाया तो बहुत खुशी है। दादी जी के खुशी के आंसू छलकने लग गए हैं, सभी बच्चों का
मेहनत करो तो बहुत खुशी है। बहुत बढ़िया, सभी बच्चे मेहनत करेंगे तो बहुत खुशी होगी। मैं एक बार सभी बच्चों की तरफ से पूरे परिवार को बधाइयां देता हूँ, जोरदार हाथ उठा के तालियों के साथ।